अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ब्लूबेरी क्रश से बनने वाला बहुत ही मज़ेदार सा जेली शरबत। तो ये शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रीमी सा बनके तैयार होता है। आप इस शरबत को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही जल्दी और बेहतरीन सा बनके तैयार होता है। तो फिर चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम ब्लूबेरी क्रश लिए हैं, आप यहाँ पर कोई भी क्रश का बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लेंगे 2 टीस्पून प्लस हाफ टी स्पून सबसे के बीज, इसे बेसिल सीड और तुक मलंगा भी कहते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसके बाजू वाले बॉल में डालेंगे 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आप शरबत ज़्यादा बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आपने बढ़ा देना है। अगर आप यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो शरबत येलो हो जाता है, तो यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप दूध में इस तरह से कॉर्नफ्लोर डाल के ठीक करेंगे तो आप उस दूध में किसी भी तरह का फ्लेवर और क्रश वगैरह डाल के बना सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम यहाँ पर जेली बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं जेलेटिन पाउडर। तो जेलेटिन पाउडर यहाँ पर हम ले रहे हैं 4 टीस्पून। इस पाउडर में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जेली पाउडर बहुत से फ्लेवर के मिल जाते हैं, आपको जो भी फ्लेवर का पसंद है आप इसी तरीके से बनाएं। लेकिन हम शरबत के लिए ब्लूबेरी की जेली बना रहे हैं तो हम इस पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर एक खाली सॉस पैन लेंगे और इसमें डालेंगे शुगर। जेली में आप जितना मीठा चाहते हैं उसके हिसाब से शुगर ऐड करें और एक बड़ा गिलास इसमें पानी जाएगा। आधा लीटर पानी के लिए आप इसमें 3 से 4 टीस्पून जेलेटिन पाउडर ऐड करें, तभी जेली बहुत ही परफेक्ट बनती है। अब इस पानी को हम अच्छे से पकाएंगे। अगर आप चाइना ग्रास से बनने वाली जेली की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी हम अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर आपको उसकी रेसिपी मिल जाएगी, वहाँ पर से भी आप देख सकते हैं। पानी अच्छे से उबलने के बाद आप इसमें भीगा हुआ जेलेटिन पाउडर ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। भीगा हुआ जेलेटिन पाउडर डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं, वरना यह नीचे बैठ भी जाता है। 5 से 6 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ पर इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, इसका फ्लेम हम ऑफ कर दी है। इसको हम हल्के से ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हम एक स्क्वायर शेप का मोल्ड लिए हैं और इसमें डालेंगे ब्लूबेरी क्रश। अब इसके बाद इसमें जेली वाला पानी डालेंगे। तो क्रश आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, तो ये सेम इसी तरह का कलर है। कलर डालने से इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। सबसे पहले इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और उसके बाद इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। शरबत बनाने के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं 1/2 लीटर फुल फैट दूध और इसमें डालेंगे 1/2 कप जितनी शुगर। शरबत में आप जितना मीठा चाहते हैं उसके हिसाब से शुगर ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। दूध को हम पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिए थे। कुछ देर बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है। जो कॉर्नफ्लोर हम घोल के रख लिए थे इसमें हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और इसको डालने से पहले आप इसका फ्लेम लो रखें। इसके डालने के फौरन बाद ही आप इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं, वरना इसमें लम्स पड़ जाते हैं। आप इस शरबत को जितना थिक बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करें। तो यहाँ पर ये देखें, दूध बहुत ही अच्छे से थिक हो चुका है। इसको हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। कॉर्नफ्लोर वाला दूध ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाता है, तो आप इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। यहाँ पर ये देखें, इस तरह का ये होना चाहिए। इसका फ्लेम हम ऑफ कर दिए हैं और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर वाला मिल्क ठंडा होने के बाद आपने इसको इस तरह से छान लेना है, इसमें जो भी लम्स वगैरह रहते हैं वो निकल जाएंगे। इस तरह छाने से शरबत और भी ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी बनता है। इसको छानने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और इसके बाद इसमें एक एक करते हुए सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये दूध अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे ब्लूबेरी क्रश। तो यहाँ पर भी आप क्रश इसमें अपनी मर्जी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपको फ्लेवर चाहिए। इसका कलर बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर रहे हैं। आप इसका कलर जितना बढ़ाना चाहते हैं उसके हिसाब से इसमें कलर ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। तो यहाँ पर ये देखें, शरबत का कलर बहुत ही बेहतरीन आया है।
इसमें थोड़ा सा क्रश हम और ऐड किए हैं। अब इसमें डालेंगे भीगे हुए सब्जा सीड, मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें काजू बादाम का पाउडर बना के भी डाल सकते हैं या फिर भीगे हुए काजू बादाम का पेस्ट भी बना के ऐड करें, आपकी चॉइस है। इसमें जाएगा ब्लूबेरी एसेंस। अगर आपके पास ब्लूबेरी एसेंस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर ये देखें जेली बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है, इसको हम कट करेंगे। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है, शरबत और जेली दोनों एक ही फ्लेवर के हैं तो बहुत ही बेहतरीन सा इसका टेस्ट आता है। जेली के पीसेस आप जितने रखना चाहते हैं, छोटे या फिर बड़े, अपनी मर्जी से आप इसे कट कर लें। जेली को कट करने तक शरबत को हम फ्रिज में रख दिए हैं क्योंकि ठंडा शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर ये देखें जेली बहुत ही अच्छे से कट हो चुकी है, शरबत को भी हम फ्रिज से बाहर निकाल दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से थिक हो चुका है। अगर आप इसे लूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें इस तरह से आइस क्यूब डालें। और अब इसमें डालेंगे जेली के पीसेस। अगर आप इस शरबत को और भी ज़्यादा क्रीमी बनाना चाहते हैं तो एक से दो स्कूप आपने वनीला आइसक्रीम के डाल देना है तो शरबत बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब इस शरबत को हम गिलास में डालेंगे तो सबसे पहले जाएगी थोड़ी सी जेली। जेली की पीसेस हम थोड़े से बचा लिए थे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन बिल्कुल क्रीमी सा ब्लूबेरी जेली शरबत बनके तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मियों के मौसम के अलावा रमजान में इफ्तार के लिए बनाएं, और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। आप इसको हमारी तरीके से ज़रूर बनाएं और इसे इंजॉय करें। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें। शहदाज कुकिंग पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।